कलेक्शन भी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो कलेक्शन में देख के आया, मैं कलेक्शन देखे बिना जाने के टाइम पे मैंने कोई ओपिनियन नहीं दिया, आने के बाद मैं ओपिनियन दूंगा। मुझे भले ये मेरे सबसे करीब दोस्त की बेटी का कलेक्शन है और वनराज उनके हस्बैंड है, तो नेचुरली मुझे अच्छा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे अच्छा बोलता नहीं हमेशा। आप भी जब भी मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ, कैमरा पकड़ लेता हूँ, मैं रियल ओपिनियन देता हूँ। मैं देख के आया, मेरी बीवी को पसंद आया, उसका मतलब है मुझे 10 गुना पसंद आया। और ज़्यादातर जो हस्बैंड रहते हैं जो शॉपिंग करने के लिए, बीवी कभी बुटीक में और ज्वेलरी दोनों साथ में, एक बुटीक भी है और अपना और एक ज्वेलर्स भी है साथ में, सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन। लेकिन खुशी होती है, हम लोग मेहनत करते हैं, इन्जॉय करते हैं उनकी, बट दे आर फैंटास्टिकली क्लासिकली डिज़ाइंड, वेरी एलिगेंट, बहुत ही वो क्या है लाउड और जो वल्गर जो डिज़ाइंस बोलते हैं वैसा नहीं, बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है। और ये जो बच्चे हैं, मेरे दोस्त की जो बेटी है, इतनी टैलेंटेड है, उसका हस्बैंड तो ऑफकोर्स उन लोग की उनका ख़ानदान भी 165 साल से ये कर रहे हैं, ये उनका ये खुद का ये बिज़नेस शुरू किया है वनराज ने, लेकिन उनके ख़ानदान तो 165 साल से मुंबई में बहुत बड़े ज्वेलर्स है। So this young man, I am very happy and proud that youngsters are taking up enterprise, doing things for themselves and trying to make a name and a brand for themselves. But of course, baap dada ka business hota hai, but they are doing it on their own steam, which I am very, very happy. And main khush ho jata hoon, main koi bhi youngster apna koi business shuru karta hai, main pahunch jata hoon, kya chahiye meri taraf se? मेरे धंधे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी बीवी जो खरीदेगी थोड़ा बहुत खरीदेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। सबसे बड़ा कलाकार भी आ गया है अभी 8 बजे। हाँ, आज फर्स्ट शो है, एयर होने वाला है, तो कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही उत्सुकता है ऑडियंस में जाने। पहले तो मेरे लिए ये फर्स्ट है, मैं पहली बार एक जज बनूंगा एक रियलिटी शो में। बहुत सारे आए थे लेकिन उस वक्त में शायद, हाँ, बहुत सारे शोज़ मेरी जजिंग के लिए आए थे, लेकिन मैं या तो बिज़ी नहीं था या मुझे कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे में हमको ऊपर वाले की दिखाई देते हैं, हेलो ऊपर वाले दिखाई देते हैं, और इतनी अच्छे तरह हम लोग परफॉर्म करते, इतने इत्मीनान से परफॉर्म करते, इतने दिलो जान से परफॉर्म और बिना डरे हुए परफॉर्म करते, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम कहते हैं हम काम पे जा रहे हैं, हम नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी मतलब क्या, जाके एक जज की सीट में बैठना, और ये बच्चे हमारे लिए सुबह से शाम तक परफॉर्म करते हैं, इससे ज़्यादा कोई ऊपर वाले की ब्लेसिंग नहीं होगी कि हम ये हम देखने के काबिल हैं, देखने लायक हैं। जी, सबको, सब नेशनल अवार्ड विनर्स हमेशा, एक्चुअली टू गेट National award from the government, ये मेरे हिसाब से सब एक्टर्स हमेशा सोचते हैं अपने करियर में एक मिल जाए नेशनल अवार्ड तो बहुत बड़ा दिन होता है। एक्टर क्या, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, सिनेमाटोग्राफर, मेरे दोस्त राजेश मापुस्कर भी जीते हैं अपने बेस्ट डायरेक्टर फॉर मराठी मूवी वेंटिलेटर, और मेरे और भी एक करीब दोस्त है राम माधवानी, उनका उनकी फिल्म नीरजा हैज़ आल्सो वन बेस्ट फिल्म। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट 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 डे। हम भी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करते रहेंगे, कभी कभी ना कभी हमें भी मिलेगा तो अच्छा लगेगा।
हैं।